वर्साई संधि के परिणाम। यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उसे उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी के नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके किए का दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है, उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुनकर आए कि वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी सर नहीं उठा सके। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करें कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को ठुकरा देंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना। 19वीं सदी के अंत से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई। विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उस समय की कल्पना में उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया, उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। 1920 में जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जिससे अपेक्षा थी कि वह देशों के बीच के झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करेगी और उनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए वर्साई समझौते के अंतर्गत सार क्षेत्र, जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था, और डेंजिंग पट्टी, जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए दिया गया था, का प्रशासन राष्ट्रसंघ को देखना था। राष्ट्रसंघ के गठन में ही कई समस्याएं थीं। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। सोवियत रूस, जो विश्व में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया।